नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें बदलाव देखने को नजर आएगा। जी हां, 2024 और 25 की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें काफी बदलाव देखने को नजर आएगा। आपको यहां पर बता दें कि 2020 में एनसीईआरटी की बुक्स को रिवाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका जो अध्यक्षता थी वो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के कस्तूरी रंगन ने किया था, और जिसके द्वारा एनसीएफ को डेवलप किया गया था कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन्हें रिवाइज किया जाए। काफ़ी समय पहले एनसीईआरटी की बुक्स को रिवाइज करने के लिए काफ़ी डिमांड भी थी, लोगों की डिमांड भी थी कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन्हें रिवाइज किया जाए। अब जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत अब एनसीईआरटी की बुक्स को 2024 और 25 की जो नई बुक्स आएंगी उसमें जो है उनकी पॉलिसी को जो उनको रिवाइज किया जाएगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो भारत का इतिहास है उसमें वो भी इसमें और ज़्यादा इसमें ऐड किया जाएगा, और जो वीर योद्धा हैं या कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने आज़ादी में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका भी इतिहास इन एनसीईआरटी की बुक्स में जो रिवाइज की जा रही है उसमें होगा। और जिस तरह से अब एजुकेशन सेक्टर में देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी सारी चेंजेस आ रही हैं, काफ़ी सारी जो है इसमें एजुकेशन पॉलिसी है वो भी अब चेंज हो रही है, वो भी इसमें अब उसको रिवाइज किया जाएगा। ये जो एनसीईआरटी की बुक्स को रिवाइज करने का जो था ये 2020 में रिवाइज करने की पॉलिसी लाई गई थी, लेकिन अब 2024 और 25 की जो बुक्स आ रही हैं एनसीईआरटी की उन्हें रिवाइज किया जा रहा है। और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना काल में जो स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ा और ऑनलाइन के माध्यम से ही उन्हें अपनी सारी स्टडी करनी पड़ी, उसको लेकर भी एक डिजिटल फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है इस रिवाइज पॉलिसी के तहत, ताकि अगर कल को कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कुछ ऑनलाइन उनको पढ़ना पड़े या कोई ऐसी त्रासदी, भगवान न करे ऐसी त्रासदी हो, तो बच्चों को घर बैठ के ही पढ़ाई करनी पड़ी, तो वो डिजिटल फॉर्मेट के जरिए एनसीईआरटी की बुक्स को डाउनलोड कर सके और घर बैठे ही वो इस सुविधा के जरिए अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से देखा बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ना था उसके बीच में कई सारी बुक्स ऐसी थी जो एजुकेशन के माध्यम से उन्हें काफ़ी मुश्किलात आई थी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनसीईआरटी की बुक को 2024-25 की जो नई बुक्स हैं उनको फिर से रिवाइज किया जा रहा है, और एक डिजिटल फॉर्मेट भी इनका तैयार किया जा रहा है ताकि अगर बच्चों को किसी कारण ऑनलाइन पढ़ना पड़े तो ये जो फॉर्मेट है वो घर पर ही डाउनलोड करके या कहीं पर भी डाउनलोड करके इसकी इससे पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या नया आता है, किस तरह से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आगे आने वाले एनसीईआरटी 2024-25 की जो बुक्स हैं उनको रिवाइज करती है और किस तरह से इनमें और क्या क्या चीज़ें ऐड की जाएंगी। बहरहाल इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स को जो रिवाइज किया जा रहा है 2024-25 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं अपनी कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर अपने इंपॉर्टेंट कमेंट्स शेयर कीजिए, ताकि जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो एनसीईआरटी की बुक को रिवाइज किया जा रहा है इसके बारे में आपका क्या सोचना है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होती हैं ये उसके लिए थोड़ा सा हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि 2024 और 25 में जो ये एनसीईआरटी की बुक रिवाइज होंगी उसमें क्या नया ऐड ऑन होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।